कविता में एक नवयुवक है जो नील कुसुम लाने जा रहा है और एक कोई अनुभवी बूढ़ा पंडित है जो उसको रोक रहा है कि बहुत लोग लाने को गए, सब उधर ही रह गए, तू मत जा। तो दोनों के बीच बातचीत है। पहले उस अनुभवी का कथन है, है यहाँ तिमिर आगे भी ऐसा ही तम है, तुम नील कुसुम के लिए कहाँ तक जाओगे, जो गया आज तक नहीं कभी वो लौट सका, नादान मर्द क्यों अपनी जान गवाओगे। ओके, प्रेमिका के लिए लाने जाता हूँ तो प्रेमिका, अरे उन शोख बुतों का क्या कहना, वे तो यूं ही उन्माद जगाया करती हैं, पुतली से लेती बांध प्राण की डोर प्रथम, पीछे चुंबन पर कैद लगाया करती हैं, इनमें से किसने कहा चांद से कम लूंगी, पर चांद तोड़कर कौन वही पर लाया है, किसके मन की कल्पना गोद में बैठ सकी, किसका जहाज फिर देश लौट कर आया है। अब वो नौजवान उत्तर देता है, ओ नीतिकार तुम झूठ नहीं कहते होगे, बेकार मगर पगलों को ज्ञान सिखाना है, मरने का होगा खौफ मौत की छाती में, जिसको अपनी जिंदगी ढूंढने जाना है, तुम लाशें गिनते रहे खोजने वालों की, लेकिन उनकी असलियत नहीं पहचान सके, मुर्दों में केवल यही जिंदगी वाले थे, जो फूल उतारे बिना लौट कर आ न सके। नील कुसुम की फुलवारी, मैं एक फूल तो किसी तरह ले जाऊंगा, जूड़े में जब तक भेंट नहीं यह बांध सकूं, किस तरह प्राण की मणि को हृदय लगाऊंगा।